हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर और स्वागत करता हूँ आपका सागर डोमेन चैनल पर। हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता क्या है। तो हमें जब भी फैक्टोरियल निकालना होता है तो जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर से लेकर के 1 तक उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 4, जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करके 3, फिर 2, फिर 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जो मल्टीप्लाई का वैल्यू आता है, यहाँ पर 24 आया, तो 24 4 का फैक्टोरियल हो गया। इसी प्रकार जब हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना होता है तो हमें 6 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका वैल्यू जो 720 आया है वो 6 का फैक्टोरियल हुआ। तो अब हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5 है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें क्या करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से 3 को, 3 से 2 को, 2 से 1 को, या फिर हम लोग 1 को 2 से, 2 को 3 से, फिर 3 को 4 से और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आया उसे स्टोर करना होगा। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से और फिर ये 2 आया। उसको फिर हमें अगले स्टेप में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसका वैल्यू निकालना होगा, उसे इवेल्युएट करना होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 6। फिर इस 6 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इवेल्युएट करना होगा। इवेल्युएट करने के पास बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो है 24। फिर इस 24 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगा 120, वो हमारा 5 का फैक्टोरियल होगा। तो ये पूरा हमारा लॉजिक होगा जो कि सी कोड में हम लोग अप्लाई करेंगे। अब लॉजिक समझ लेने के बाद हम लोग उस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दो लाइब्रेरी फंक्शन studio.h और conio.h को अपने कोड में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैंने दो फंक्शन लिया है। पहला फंक्शन फैक्ट के नाम से है जो कि एक इंटीजर फंक्शन है, और दूसरा मैंने मेन फंक्शन लिया है वो भी एक इंटीजर फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर पहले हमने इंटीजर वेरिएबल एक्स को लिया है, उसके बाद मैंने प्रिंट किया है जो कि यूज़र को दिखाएगा कि वो नंबर को इंटर करे, इंटर द नंबर। उसके बाद मैंने स्कैनफ लिया है जो कि यूजर द्वारा दिए गए नंबर को अपने वेरिएबल जो कि एक्स है उसमें स्टोर करेगा, और फिर ये एक्स वेरिएबल जो फैक्ट फंक्शन है उसको पास करेगा। ये फैक्ट फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और इसमें जो वैल्यू एक्स है वो एंटी एक्स की तरफ जाएगा। फिर इसमें मैंने इंटीजर वेरिएबल वाई इक्वल टू 1 और आई को लिया है। इसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप मेरा आई से इनिशलाइज किया गया है और फिर एक कंडीशन डाला गया है आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स और फिर आई को इंक्रीमेंट किया गया है। इसके बाद एक इक्वेशन है वाई इक्वल टू वाई इंटू वाई। फिर इस फॉर लूप को क्लोज किया गया है। उसके बाद मैंने वाई के वैल्यू को प्रिंट किया है। अब देखते हैं कि ये फॉर लूप किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर मैंने आई को 1 से इनिशलाइज किया इसलिए आई का वैल्यू 1 हो गया। इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा वाई आई जो है वो 5 से लेस देन है या नहीं, जो कि एक कंडीशन है। तो 1 जो है वो 5 से लेस है तो ये ट्रू होगा। तो अब ये होगा वाई इजकल टू जो वाई का वैल्यू 1 है, 1 इंटू फिर आई का वैल्यू 1 है उसे मल्टीप्लाई करेगा और इसे इवेलुएट करेगा। तो ये आएगा 1 इंटू 1 इजकल टू 1। अब ये 1 इस वाई में स्टोर होगा, फिर i को इंक्रीमेंट किया जाएगा 1 से, तो अब i का वैल्यू 2 होगा। अब इस 2 को
कंडीशन को चेक किया जाएगा कि वो टू एक्स से लेस है या नहीं, ये ट्रू है। तो अब y इज इक्वल टू वन इंटू टू, अब ये वन जो मैंने पहले इवेलुएट किया था वो स्टेप से आएगा, और ये टू जो i का वैल्यू टू इंक्रीमेंट होने के बाद आया है उससे आएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो आई वन इंटू टू और इसका वैल्यू आएगा टू, तो ये टू y में स्टोर होगा। इसी प्रकार फिर से i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और वो होगा थ्री, और फिर ये कंडीशन चेक करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू x है या नहीं, जो कि ये ट्रू होगा। और फिर हम लोग y को टू से थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा सिक्स वो y में स्टोर होगा। इसी प्रकार फोर के लिए भी होगा और फाइव के लिए भी होगा, लेकिन i का वैल्यू जैसे सिक्स होगा तो ये फाइव से लेस देन या इक्वल टू नहीं है, ये फाइव से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा और यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब y का वैल्यू जो 120 है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो 5 का फैक्टोरियल है वो निकल जाएगा। अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर यूजर से नंबर मांग रहा है, इंटर द नंबर, तो 5 इंटर किए। इसके बाद जो वैल्यू हमें फैक्टोरियल के रूप में आया वो आया 120। अब फिर से हम एक दूसरा नंबर डालकर देखते हैं, तो इसका हमें फैक्टोरियल दे रहा है 40320। आप लोग इसे खुद से भी अलग अलग नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं।